अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ अक्खी मसूर, साबुत मसूर। तो ये साबुत मसूर बहुत बढ़िया बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आप इस तरह से बना कर तो देखिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर साबुत मसूर को रात को ही धोकर भीगने रखा था। ये दाल हमारी अच्छी से भीग चुकी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज की, लंबी साइज में काट कर ली है प्याज, और टमाटर लिए हैं दो मीडियम साइज के, और यहाँ पर लहसुन और अदरक को मैं कूट कर डालने वाली हूँ, और यहाँ पर हरी मिर्च है, और यहाँ पर ये दो बड़े प्याज को गोल काट कर लिया है। तो चलिए कुकर में यहाँ पर मैं तेल डाल देती हूँ दो नाप भर कर, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये लंबी प्याज काट कर रखी है, इसको थोड़ा सा फ्राई करके लेती हूँ ब्राउन कलर का। देखिए इस तरह का करके निकालना है ताकि ये हमें गार्निशिंग में डालने के लिए काम आ जाए। बहुत बढ़िया लगती है इस तरह की ब्राउन प्याज ऊपर से डालेंगे तो। चलिए मैंने यहाँ पर दो छोटे साइज में भी प्याज काटी थी उसको मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से इसको देखिए इस कलर तक ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है। और इस स्टेज पर हम टमाटर डालने से पहले मैंने अदरक लहसुन भी कूट कर डाल दिया है, मगर मैं बताना भूल गई। तो उसके बाद थोड़ा सा भून कर लेना है अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ। फिर उसके बाद एक मिनट के भुनने के बाद आपको टमाटर भी डाल देने हैं, टमाटर को भी थोड़ा सा गला कर लेना है। और उसके बाद मिर्ची डालनी है, हरी साबुत मिर्ची डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, काट कर नहीं। तो थोड़ा सा मैंने कट लगा लिया है उनको। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और इसमें डालते हैं नमक। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ मिर्ची, ये मेरे घर की मिर्ची है। अगर आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक मिनट के लिए भूनते हैं इनको भी, और इसके बाद डालेंगे हम भीगी हुई मसूर, साबुत मसूर। तो दाल को डालने के बाद मसूर को डालने के बाद इनको अच्छे से थोड़ा सा चला कर लेंगे। इसमें पानी डालकर मैं कुकर की सीटी लगा लेती हूँ। पानी मैं इसमें डालूँगी लगभग यहाँ पर इस कटोरी से 6 कटोरी, और ढक्कन लगाकर इसको 3 से 4 सीटी निकाल कर लूँगी कुकर की। मैंने पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब ढक्कन लगा रही हूँ, और 3 से 4 सीटी मैं इनकी निकालूँगी कुकर की। तो चलिए यहाँ पर 3 से 4 सीटी हो चुकी हैं। अब इसको देखते हैं कि दाल हमारी कितनी पकी है। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। तो देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया सी दाल हमारी अक्खा मसूर, साबुत मसूर हमारी यहाँ पर गली है। तो देख सकते हो आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है, और इसका जो लिक्विड है ना वो बहुत ही थिक होता है। इसका मतलब होता है कि दाल हमारी अच्छे से पक जाती है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है ग्रेवी को थिक करने के लिए, क्योंकि ये जो अक्खा मसूर होता है ना इसमें से ही ये थिक ग्रेवी रिलीज़ हो जाती है। तो देखिए बहुत बड़ी बढ़िया ये ग्रेवी बनती है इसकी, बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए मैं ऊपर से यहाँ पर थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज को डाल देती हूँ। आप चाहो तो थोड़ी सी हरी धनिया को भी पिरो सकते हो, यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसके लिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपके पास है तो गार्निशिंग के लिए आप डाल सकते हो, बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए यहाँ पर ये साबुत मसूर बनकर तैयार है, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, पौष्टिक होती है ये साबुत मसूर। तो चलिए इस साबुत मसूर को तो मेरे घर में तो बहुत मज़े से ही खाते हैं, आपके घर में भी इस दाल को पसंद करते हैं या नहीं आप ज़रूर देखना। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये दाल। यहाँ पर मैं बार बार दाल ही बोल रही हूँ, पर ये दाल नहीं है, साबुत मसूर है। तो चलिए आप इसको रोटी पराठा राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद करिए। अल्लाह हाफिज़।